नमस्कार, मैं हूँ सैफ राहुल और आज हम आप सभी को बनाना सिखाएंगे मोदक, और वो भी छेने का। छेने का मोदक बनाएंगे कैसे बिल्कुल सही नाप और सही स्वाद के साथ, तो आज हम देखते हैं मोदक बनाते कैसे। और पहली चीज़ ये कि गणपट्टी की बब्बा को भी हमें मोदक बहुत पसंद है, तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश छेना, जो कि हमने आधा किलो के लगभग छेना लिया, और पीसा हुआ चीनी लिया, पीसा हुआ नारियल भी लिया है, और साथ ही में रोस्टेड पिसा हुआ हमने काजू ले रखा है, थोड़े से इलायची ले रखा है। इलायची आपको अपने हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। छेने को क्या करना है कि मिक्सी में आप इसको पीस ले, या आप हाथों से रफ करके इसका स्मूथ डो बना कर तैयार कर ले। गुलटियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इस तरीके से जैसे देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्मूथ बनाकर तैयार कर लेना है। और अब क्या करना है कि आपको गैस को ऑन करना, पैन गरम करना, और पैन में इसको फटाफट से डाल दे, और डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। अगर आपका छेना मेल्ट ना हो तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। आप क्या करें, छेने को टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर दें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाना शुरू कर दें। जैसे आप चीनी मिलाएंगे, आपका जो छेना है अपने आप चीनी के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैं चीनी इसके अंदर मिलाना शुरू कर रहा हूँ। तो चीनी जो है आप इसी टाइमिंग पे पूरा चीनी मिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाद में मिलाएंगे, इसी टाइमिंग पे मिला दीजिए, आराम से पकते रहेंगे। और चीनी का क्वांटिटी है जितना आपने छेना ले रखा है, छेने का आधा आपको चीनी इसके अंदर डालना है। अगर आपको मीठा और कम पसंद है तो आप थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो इतना आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला। तो आपको क्या करना है, छेने के साथ चीनी को अच्छे तरीके से मिलाना है, और चीनी जब मेल्ट होंगे तो आपका जो छेना बिल्कुल इस तरीके से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मेल्ट आपकी नज़रों के सामने हो रहे हैं। ऐसे मेल्ट होकर एकदम बढ़िया सा प्यूरी बन जाएगा और बनकर तैयार हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका छेना तैयार हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल पता चलेगा। आपको छेने को ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते रहना है, और जब छेना आपका बिल्कुल इस तरीके से हो जाए, जबकि जब आपके पैन को हल्का हल्का छोड़ना शुरू कर दे और इस तरीके से ठीक हो जाए ना, तो समझिए कि आपका 60% छेना जो है तैयार हो चुका है, यानी कि मोदक बनने के लिए तैयार हो चुका है। और इसके अंदर इस टाइमिंग पे अब हम मिला रहे हैं जो कि नारियल हमने ग्रेट करके जो है, यानी कि हमने जो मिक्सी में पीस कर रखा था पाउडर बना के, उस नारियल को इसके अंदर डालना है। नारियल हम 4 चम्मच के लगभग यूज कर रहे हैं, 1 चम्मच हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए, और इस टाइमिंग पे इसको भी अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसके अंदर भुनना है। मतलब यानी कि भुनने के साथ ही आपको नारियल को अच्छे तरीके से मिलाना है और 2 मिनट के लिए इसको कुकिंग करते रहना है। 2 मिनट हो जाने के बाद, ठीक 2 मिनट के बाद, आपने जो पीसा हुआ काजू था ना, जो रोस्टेड काजू था, उसको भी लेना और पूरी की पूरी काजू इसके अंदर मिला देना। काजू आपका 3 चम्मच के लगभग हमने ले रखा है, और 3 चम्मच के लगभग काजू इसके अंदर मिला देना है। काजू से क्या हुआ कि आपके जो छेना है, यानी कि आपने जो मोदक के लिए अपना तैयार कर रहे हैं, उसमें एक थिकनेस देगा, एक रिचनेस देगा, और एक स्मूथपन, और इसके अंदर आपको एक क्रीमीपन आ जाएगा, जिससे आपका मोदक का जो लेवल है 4 गुना आगे बढ़ जाएगा, और आपके मोदक जो है बिल्कुल स्वादिष्ट बनने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से मिला ले, और जब आपका मोदक तैयार हो जाए तो पता चलेगा कि आपने का जो मोदक है वो पैन छोड़ना शुरू कर दिया। उस टाइमिंग पे आपको गैस का फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना, गैस का फ्लेम बंद कर दे, और इसके अंदर 2 इलायची को कूट के अच्छे से पाउडर बना के इसके अंदर डाल दे, ऐड कर दे, और फ्लेवर अच्छी तरीके से फैल जाएगा। और तब तक चलाएं जब तक आपका मोदक का जो डो है वो ठंडा नहीं हो जाता है बढ़िया तरीके से। अब ठंडा हो जाएगा तो इसमें से आधा आपको निकाल लेना, और बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर छोड़ देना। क्यों भाई, अगर आपको कलरफुल मोदक पसंद है तो आप इसके अंदर कलरफुल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल मोदक बनाने हैं तो आप सिंपल मोदक भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो मुझे थोड़े से कलरफुल पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़े से में बिल्कुल फूड कलर ऑरेंज वाले ऐड कर रखे हैं, और इससे क्या होगा कि आपका जो थोड़ा सा डो है वो बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा, अच्छी तरीके से ऑरेंज हो जाएगा, और आप अपने हिसाब से इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन दे सकते हैं, और अपने हिसाब से इसके अंदर फ्लेवर दे सकते हैं। मोदक की यही खास बात है, तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसी टाइमिंग पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो मोदक का है जो बिल्कुल तैयार हो गया, और आपको इस टाइप का एक सांचा चाहिए जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, जो कि मोदक बनाने में बहुत ही आसान काम करता है और बहुत ही जल्दी बनता है। वो हाथों से जो मोदक बनाए जाते हैं ना, उससे बहुत ही फास्ट बनता है। तो इसके अंदर आपको थोड़े से आपको ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से, कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर दे,
और आपको कलर ऊपर नीचे आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर में या नीचे में जैसे आपकी मर्जी वैसा आप कलर ऐड कीजिए। तो मैंने ऑरेंज कलर जो है वो थोड़े से ऊपर में टॉपिंग में ऐड किया है और बाद में नीचे से व्हाइट वाले जो है वो हमने इसके अंदर ऐड किया। अब बढ़िया तरीके से उसको दबाए अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छे से दबाएंगे नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपका जो मोदक है ना वो ब्रेक कर जाएंगे। इसी तरीके अच्छे से दबाना और जितने भी एक्स्ट्रा जो इसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा जो दो है ना एक्स्ट्रा जो छेने हैं उसको आपको निकाल लेना, और निकालने के बाद आपको अच्छी तरीके से दबा के आप इसको ओपन करेंगे तो आपका जो मोदक है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आपके यानी हाथों में लीजिए और महसूस कीजिए कि आपने गणपति बप्पा के दिवस पे अपने हाथों से मोदक बनाया। तो ये लीजिए आपका मोदक बन के बिल्कुल तैयार हो गया, दो रंग में, ऊपर में लाल और नीचे में उजले। इस मोदक को अपने पूजे के थाली में तुरंत डेकोरेट करना शुरू कर दें और वापस से उसी स्टेप के साथ फिर फॉलो करना शुरू कर दें। थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से ऊपर में मावा, नीचे में थोड़े से व्हाइट वाले मावे और अच्छे तरीके से आपको इसको पूस करना। पूस करने के बाद आपका मोदक आपके नज़रों के सामने बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसी तरीके से सारे मोदक को बनाएं और इस गणपति बप्पा को खास बनाएं। आप चाहें तो एक ही मोदक नहीं बहुत सारे मोदक बना सकते हैं, बहुत से फ्लेवर, जिस फ्लेवर में आपको मोदक खाना पसंद है उस फ्लेवर में आप मोदक बनाएं। कहते हैं कि गणपति बप्पा को मोदक लड्डू बहुत ही पसंद है, तो लड्डू तो ना सही पर हाँ मोदक जरूर हम बना सकते हैं। तो फटाफट बहुत ही आसान है और इस मोदक को इस गणपति बप्पा को ज़रूर चढ़ाएं। और हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको अगर इस मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना के भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।